आपका हमारे YouTube चैनल रेसिपी सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। आज हम आपको NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.11 कराने जा रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, ले लीजिए। परीक्षा में दो तीन क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं और आगे के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, काफ़ी इसका यूज है, तो ध्यान से देखिए। पहली प्रॉपर्टी देखिए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। यदि आप वेरिएबल को चेंज कर देते हैं तो आपका इंटीग्रेशन सेम रहता है, एक्स के प्लेस पर आप टी कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई जेड, तो ये आपकी पहले प्रॉपर्टी है, आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो। दूसरी, यदि आप लिमिट को चेंज करते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है और आप बी टू ए करते हो तो माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है और आपने लिमिट बी टू ए किया है तो माइनस आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी टू है। तीसरी प्रॉपर्टी पर आ जाइए, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो आप बीच में लिमिट ऐड कर सकते हो, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, लेकिन आपका जो सी है ए और बी के बीच में पढ़ना चाहिए, इस तरह का नंबर होना चाहिए जो ए से बड़ा हो और बी से छोटा हो, तो इस प्रकार से आप लिमिट को तोड़ सकते हो। नेक्स्ट पर आ जाइए, प्रॉपर्टी फोर, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो प्रॉपर्टी फोर कहती है आप दोनों लिमिट को ऐड कीजिए और उसमें से एक्स को माइनस कर सकते हो, तो ये हो जाएगा ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं इसी प्रॉपर्टी से। प्रॉपर्टी फाइव पर आ जाइए, ये इसी का विशेष रूप है प्रॉपर्टी फोर का, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ए में से आप एक्स को माइनस करके लिख सकते हो वेरिएबल के प्लेस पे। प्रॉपर्टी सिक्स है आपकी जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, जीरो टू ए एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स, तब भी आपका इंटीग्रल सेम रहेगा। प्रॉपर्टी सेवन पर आ जाइए, यदि आपकी लिमिट माइनस ए टू ए सेम है लेकिन अपोजिट साइन के, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका टू इंटू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ क्या है सम फलन है। सेकेंड, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स जीरो हो जाएगा यदि एफ क्या है आपका एक विषम फलन है। देखिए सम फलन और विषम फलन क्या होते हैं, यदि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है विषम फलन कहलाता है। फंक्शन में एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रख दीजिए और माइनस मल्टीप्लाई में आ जाए तो क्या होता है आपका विषम फलन होता है, और यदि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रखने पर आपका सेम फंक्शन आ जाता है तो वो क्या होता है सम फलन, ये आपको याद रखना है, ये विषम फलन होता है आपका, ये सम फलन होता है। 7.11 का क्वेश्चन नंबर वन, जीरो टू पाई बाय टू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको आई मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, दो बार इसी से प्रॉपर्टी फोर लगाइए, क्या हो जाएगा जीरो टू पाई बाय टू कोस स्क्वायर, क्या लिख सकते हो आप इसमें से एक्स माइनस करके लिख सकते हो, पाई बटे टू माइनस एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा ये, क्या आपको लिखना है बाय प्रॉपर्टी फोर या केवल बाय प्रॉपर्टी, ऐसे भी लिख सकते हो, आपको जीरो टू पाई बाय टू कोस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा जोड़ने पर आई और आई टू आई हो जाएगा, जीरो टू पाई बाय टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये आपका वन होता है, जीरो टू पाई बाय टू वन डी एक्स, और वन का इंटीग्रेशन कीजिए एक्स हो जाएगा जीरो टू पाई बाय टू, तो क्या हो जाएगा पहले अपर लिमिट रखिए एक्स के प्लेस पे, फिर लोअर लिमिट एक्स के प्लेस पे पाई बटे टू और फिर जीरो, कितना हो जाएगा ये पाई बाय टू, तो यहाँ से आई कितना आ जाएगा टू अपॉन में आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा पाई बाय फोर, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट, ये है आपके जीरो टू पाई बटे टू
अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट कोस एक्स डी एक्स, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। देखिए पुनः बाय प्रॉपर्टी फोर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट साइन पाई बाय टू माइनस एक्स, इसमें से आप एक्स को माइनस करके लिख सकते हो, ये हो जाएगा साइन पाई बाय टू माइनस एक्स अंडर रूट कोस पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स, ये आपको लिखना है बाय प्रॉपर्टी फोर जैसे आपने ऊपर लिखा है। तो क्या हो जाएगा ये जीरो टू पाई बाय टू अंडर रूट साइन नब्बे माइनस थीटा, ये हो जाएगा पाई बाय टू माइनस थीटा कोस थीटा अंडर रूट, ये हो जाएगा साइन एक्स अंडर रूट साइन का कोस हो जाएगा, कोस का यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, ये आ जाएगी इक्वेशन सेकंड। ऐड कर दीजिए एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए क्या हो जाएगा ये ऐड करने के बाद, फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर जोड़ दीजिए आई और आई टू आई हो जाएगा जीरो टू पाई बाय टू अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कोस एक्स, नीचे भी आपका सेम आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कोस एक्स डी एक्स, ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा वन आ जाएगा और वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका एक्स जीरो टू पाई बाय टू। तो दिस इज इम्प्लाई दैट बिल्कुल सेम बन चुका जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, ये हो जाएगा आई आपका पाई बाय फोर, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर थ्री भी आपको इसी प्रकार से करना है। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर देखिए जीरो टू पाई बाय टू कोस की पावर फाइव एक्स साइन की पावर फाइव एक्स कोस की पावर फाइव एक्स डी एक्स, इसको आई मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, उन्हें दोबारा से प्रॉपर्टी फोर लगाइए क्या हो जाएगा ये जीरो टू पाई बाय टू कोस स्क्वायर पाई बाय टू माइनस एक्स सॉरी यहाँ पर फाइव है साइन के पावर फाइव पाई बाय टू माइनस एक्स कोस के पावर फाइव पाई बाय टू माइनस एक्स डी एक्स, तो देखिए क्या हो जाएगा जीरो टू पाई बाय टू कोस नाइन्टी माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा साइन के पावर फाइव एक्स, नीचे हो जाएगा कोस की पावर फाइव एक्स नाइन्टी में चेंज हो जाता है और कोस का हो जाएगा साइन की पावर फाइव एक्स, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। सेम फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर क्या हो जाएगा आई और आई टू आई और ये हो जाएगा जीरो टू पाई बाय टू कोस की पावर फाइव एक्स साइन की पावर फाइव एक्स, नीचे आपका सेम है एलसीएम कोस की पावर फाइव एक्स डी एक्स और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इम्प्लाई दैट ये आ जाएगा आपका पाई बाय फोर जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में बना था उसी प्रकार से आ जाए, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करने हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।